जैसे जैसे हमें ये बताता जाएगा ये उचित है ये अनुचित है, तो एक दिन आप उचित वाले को कर ही लोगे। पर दिक्कत तब होती है कि जब हमारा ज्ञान अनुचित को भी उचित ठहरा देता है, यानी मैंने जो किया वो ठीक ही किया। तो अपने बारे में जब हम वकील बन जाते हैं वहां दिक्कत आती है, फिर सारे प्रोग्रेस के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो अपने प्रति व्यक्ति को होना चाहिए जज और दूसरों के प्रति होना चाहिए वकील। हम उल्टा करते हैं, दूसरों के प्रति जज होते हैं, सीधा निर्णय सुनाते हैं ये गलत है, और अपने प्रति वकील होते हैं। वकील का काम होता है गलत को भी ठीक सिद्ध करना, तो अपनी वाली गलत को भी हम ठीक सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और दूसरे के बारे में झट निर्णय सुनाते हैं। तो अपने बारे में भी ऐसे निर्णय सुनाना चाहिए अपने आप को, ये ठीक नहीं है अपने लिए वो व्यक्ति जो भी कर रहा है। और यहाँ पर ये देखो ना आप, जैसे इनकी मानसिकता क्या है लक्ष्मण जी की, इनके कारण, भरत जी के कारण ये इतना दुख हुआ, जबकि भरत जी का इसमें कोई रोल ही नहीं है, वो तो थे ही नहीं ना वहां पे। तो हमारे जीवन में जब भी दुख आता है तो झट से हमारे मन में यही विचार आता है कि ये किसके कारण हुआ, किसी भी दूसरे तीसरे को हम टैग कर देते हैं इसके कारण ऐसे हुआ। तो ये सोचते ही समझ लो कि हमारा जो त्रुटि थी उसको हटाने के लिए हमने दरवाजे ही बंद कर दिए, वो त्रुटि अब कभी नहीं हटेगी। और त्रुटि कभी भी हमारे दुख के लिए दूसरे की नहीं होती है, त्रुटि हमारी ही होती है, दूसरा निमित्त बन जाता है। और कभी कभी हो भी सकती है दूसरे की, लेकिन ज्यादातर ऐसे होता है कि हमारा या तो पीछे का कोई ना कोई हमें कर्म फल विपाक को प्राप्त हुआ था तो वो लेना ही था हमें, दूसरा कोई निमित्त बन गया, या कभी कभी हमारी इस जन्म की भी त्रुटि होती है तो उस त्रुटि के कारण ये फल मिलना ही था। तो भी हम ज्यादातर दूसरे को उसमें जल्दी से उसके सिर पे ब्लेम डाल करके और खुद मुक्त हो जाते हैं, तो फिर वो हमारा दोष हटता नहीं है। और जितने जन्मों तक, जितने वर्षों तक ये ब्लेम गेम चलता रहेगा तो तब तक हमारा उत्थान नहीं होता है। फिर हो गया, और कोई प्रश्न है किसी का, चलें आगे। तो ये कह रहे हैं पूर्वापकारी भर्तः त्यक्त धर्मश्च राघवः, ये पहले भी इन्होंने हमारा अपकार किया है और उनके बारे में कह रहे हैं त्यक्त धर्मश्च, उन्होंने धर्म का त्याग कर दिया है। अब बताओ वो इतने बड़े धार्मिक हैं और उनके लिए उनका सगा भाई ही ये कमेंट कर रहा है कि उसने अपने धर्म को छोड़ दिया है, तो ये परिवार का भाव ही फिर क्षमा करवाएगा। मानो भरत जी को ये पता लग जाए कि लक्ष्मण जी ऐसे बोल रहे हैं, और फिर भरत जी भी कि अच्छा ऐसे कह रहे हो ना, तो ठीक है फिर हमने धर्म का त्याग कर ही दिया। ऐसे बोलते हैं ना व्यक्ति कि आप हमारे बारे में ऐसे सोचते हो ना, तो ठीक है हम ऐसे थे तो नहीं पर आज से ऐसा ही करेंगे आपके साथ, फिर खत्म। तो वो भी ये परिवार का भाव, कह दिया तो कह दिया, मेरा ही भाई है किसको कहूं। तो बोलते हैं ना भाई अपने घर की बात बताना तो अपने आप को ही नंगा करना है, तो क्या बताएं अब अपने घर की बात किसी के सामने,
तो ये तो हमारे ही भाई बहन हैं, तो फिर दूसरे वाले सूत्र काम करते हैं वहां पे कि भाई इनको तो क्षमा ही करना पड़ेगा, कुटुंब वाले हैं ना ये। और आगे बढ़ रहे हैं, सुनिए आप लक्ष्मण जी की बातें और सुनिए थोड़ा सा। अद्य पुत्रम हतम संख्ये कैकेयी राज कामुका मया पश्येत सुदुखार्ता हस्ते भग्नम इव द्रुमम कैकेयीं च वधिष्यामि सानुबन्धां स बान्धवां कलुषेणाद्य महता मेदिनी परिमुच्यताम् अद्येमं संयतं क्रोधम असत्कारं च मानद मोक्षामि शत्रु सैन्येषु कक्षेषु इव हुताशनम् शराणां धनुषश्चाहं मन्त्रिणोऽस्मि महामृधे ससैन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशयः। अद्य पुत्रं हतं संख्ये कैकेयी राजकामुका, राज की कामना करने वाली साम्राज्य की इच्छुक जो कैकेयी है, आज अपने पुत्र को संखे हतम, अपने पुत्र को आज इस रण में मरा हुआ देखेगी, क्योंकि मैं उसके पुत्र को मार देने वाला हूँ। मतलब पहले पुत्र को भला बुरा कहा, अब उसकी माँ तक भी चले गई, कैकेयी तक भी चले गई। तो कभी व्यक्ति कहता है भाई आप हमारे को कुछ भी कह लो, देखो हमारे कुल खानदान तक मत जाओ, माता पिता तक मत जाओ। और ये व्यक्ति का स्वभाव है कि वो वहां चोट करना चाहता है जिससे उसको और ज्यादा कष्ट हो। बोले इसको मैंने जो कुछ भी कहा उससे तो दुखी हुआ नहीं, और मेरा मकसद क्या था, इसके आंसू निकालना, तो अब चलो इसके घर वालों तक और जाता हूँ तो तब कम से कम रोएगा ये। क्योंकि जब व्यक्ति बदला लेने के भाव में आता है ना, तो दूसरे को बहुत ज्यादा दुख देना चाहता है। तो कई बार जैसे व्यक्ति खुद का भी ऐसी बात बोलता है ना कभी कि ठीक है हम फिर मैं मर रहा हूँ या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मतलब खुद को कष्ट देके भी वो कष्ट अपने देने के लिए नहीं होता, मेरे दुखी होने से ये और ज्यादा दुखी हो जाए, तो इसलिए उद्देश्य दूसरे को ही ज्यादा दुखी करने का है, तो ऐसे होता है। अद्य कैकेयी राज कामुका हतम पुत्रम पश्येत सुदुखार्ता, अत्यंत दुखी होकर के, और वो कौन करेगा, मया हस्ते भग्नम इव द्रुमम, मैं उसको आज ऐसे ही उखाड़ फेंकूंगा इस रण में जैसे कि कोई वृक्ष को उखाड़ फेंकता है। द्रुमम हस्ते भग्नम, कोई हाथ ही जैसे वृक्ष को उखाड़ देता है चलते चलते जंगल में, जो भी उसके रास्ते में आता है ना, और कोई मनुष्य आए तो उसको सूंड में लपेट के उधर फेंक देता है कभी, तो कभी उसको लपेट के फिर अपने पैर से ऐसे मसल देता है, हाथी पूरा मसल देता है, चटनी बना देता है। कोई वृक्ष आ जाए ऐसे चलते चलते तो उसको सूंड में लपेट के उखाड़ेगा फिर उधर फेंक देगा। तो ऐसे कह रहे हैं हस्ति भग्नम इव द्रुमम, जैसे हाथी किसी वृक्ष को उखाड़ फेंकता है ऐसे मैं भरत जी को उखाड़ फेंकूंगा। अब एनर्जी तो पूरी है इनके अंदर, लेकिन ये रॉन्ग डायरेक्शन में चल पड़ी, और श्री राम के सामने बोल रहे हैं ये, मतलब उन श्री राम के सामने बोल रहे हैं जिनको भगवान की तरह प्रेम करते हैं ये, जिनका इतना सम्मान करते हैं, जिनके लिए इतने कष्ट सह रहे हैं। लेकिन जब आदमी को दूसरी रील चढ़ती है ना, छोटे बड़े की लाज नहीं करता फिर किसके सामने क्या बोलना चाहिए, ये सब श्री राम के सामने बोल रहे हैं। कैकेयीं च वधिष्यामि सानुबन्धां स बान्धवां कलुषेणाद्य महता मेदिनी परिमुच्यताम्, और केवल भरत को ही नहीं मारूंगा, कैकेयीं च वधिष्यामि, चोर को क्या मारना, चोर की माँ को मारो जो आगे पैदा करना ही बंद कर दे और उसको मतलब इनकी भी माँ है लेकिन उनका नाम ही लेके बोल रहे हैं सीधा। कैकेयीं च वधिष्यामि सानुबन्धां बान्धवां, और उनके भी जो भाई बंधु हैं जो कैकेयी से भी प्रीति करने वाले हैं ना, उन सबको भी, तो भाई बंधुओं में मंथरा आदि सब आ गए जो भी उनसे प्रीति करने वाले हैं, उन सबको आज मार डालूंगा, क्योंकि कष्ट
उन्होंने दिया है ऐसा इनको लग रहा है। झट से दूसरे के ऊपर ब्लेम करने में तो अपने को कुछ करना ही नहीं है ना, तुरंत दूसरे के सिर पे डालो और हम फ्री। और यदि अपने सिर पे ले लिया तो अभी इसको ठीक मुझे ही करना पड़ेगा। यदि मेरे दुख का कारण मैं हूं तो अब सुख का भी तो मुझे ही बनना पड़ेगा ना, तो अपना दुख खुद हटाना पड़े, इसमें बड़ा जोर पड़ता है फिर। कलुषेण अद्य महता मेदिनी परिमुच्यताम। बोलिए ये दोनों माँ बेटे जो कलुष थे ना, कलंक थे इस धरती के ऊपर, आज इस मेदिनी को, इस धरती माता को, इन दोनों के इस महापाप से, कलंक से मुक्त कर दूंगा, धरती माता आज मुक्त हो जाएगी। तो ऐसे ही सोचता है व्यक्ति। अब वास्तव में यदि देखा जाए तो धरती माता कौन से नाराज होगी, भरत जी से कि लक्ष्मण जी से, अगर धरती माता सामने खड़ी हो तो? भरत जी के तो मन में है ही नहीं कोई खोट। अगर वास्तव में भी नेगेटिविटी आई है तो किसके मन में आई है? लक्ष्मण जी के ही मन में आई है। और इनको लग क्या रहा है कि मैं तो धरती माता का बहुत हितेशी पुत्र हूँ और अपने भाई का भी बहुत हितेशी हूँ। श्री राम को भी यदि दोनों के सामने खड़ा किया जाए तो कौन से के नंबर कम होंगे, भरत जी के कि लक्ष्मण जी के? लक्ष्मण जी के ही होंगे, क्योंकि भरत जी के मन में ऐसा है ही नहीं कुछ भी। लेकिन लक्ष्मण जी को क्या लग रहा है, मैं ही श्री राम का ज्यादा हितेशी हूं। ये कहानी हम सब के जीवन की है, केवल भरत और लक्ष्मण की नहीं है। हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को जहां सेट कर लिया ना, हमें ये लगता है मैं ही बिल्कुल ठीक हूं इस धरती के ऊपर, बाकी सब गलत है। और कई बार ऐसे होता है कि हम ही गलत होते हैं, दूसरे गलत नहीं होते हैं। तो ये बहुत, मतलब भगवान के सामने इसका परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। और इसलिए हमारे यहाँ संध्या में कहा जाता है, योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दद्म, आपकी न्याय व्यवस्था में छोड़ते हैं। क्योंकि हम ठीक ठीक नहीं जानते हैं, मैं ठीक हूँ कि दूसरा ठीक है मुझे नहीं पता है। व्यक्ति को तो हमेशा अपना आपा ही ठीक लगता है, तो इसलिए उसका ठीक निर्णय तो भगवान कर सकते हैं। तो इन्होंने तो कर दिया सबका काम। अद्देवं संयतं क्रोधं असत्कारं च मानद मोक्षामि शत्रुसैन्येषु कक्षेषु इव हुताशनम्। मानद श्रीराम के लिए कह रहे हैं, हे मान देने वाले, अद्य इमं संयतं क्रोधं असत्कारं च, बहुत दिन से क्रोध रोक के रखा हुआ था मैंने, तो भाई रोका हुआ तो ऐसे ही निकलेगा भाई। उसमें प्रेशर कुकर में सीटी भी यदि बंद कर दी और आपने सोचा कि भाप को निकलने से मैंने मना कर दिया, तो वो तो फटेगा किसी ना किसी दिन। तो ये सहन करना नहीं है बिल्कुल भी। हम ऐसा ही सहन करते हैं कि मतलब खूब अंदर से उबल रहे होते हैं, लेकिन हमने कहा कि हम बोलेंगे नहीं कुछ भी, क्योंकि हमें सहन करना है, क्षमा करना है। तो ये वाली सहनशीलता और क्षमाशीलता तो किसी ना किसी दिन निकलेगी फिर। ये उसी समय ही उसको शांत करना होता है, जो बात आई थी ना भरद्वाज जी की, तो वाज मतलब बल, तो क्रोध भी तो एक बल है ना, कितनी बड़ी शक्ति है क्रोध में। व्यक्ति कितने बड़े उसको हथियार को उठा लेता है, वेट को उठा लेता है, किसी को मार देता है, नॉर्मली नहीं कर सकता है। तो वो एक एनर्जी का ही फ्लो है, लेकिन वो उसकी दिशा गलत है। और ऐसे ही व्यक्ति का कभी कभी अच्छाई का भी फ्लो होता है, और उसमें वो इतना बड़ा पराक्रम का काम कर देता है जिससे बहुत लोगों को सुख मिल जाए, ऐसा भी कर देता है। तो है तो वो शक्ति एक ही है, तो उसी शक्ति की जब दिशा अच्छी साइड में चली जाए तो फिर वो कोई ऐसा सन्यासी बनेगा, ऐसा कोई ब्रह्मचारी बनेगा, तो फिर श्रद्धे स्वामी जी महाराज की तरह, पूज्याचार्य जी की तरह, करोड़ों लोगों को सुख मिल जाता है। है तो वो ही एनर्जी। तो ये क्रोध के समय भी एक विशेष शक्ति का ही एक वो आता है प्रवाह। तो ये कह रहे हैं, आज अद्य इमं संयतम क्रोधम,
हे मानद, हे मान देने वाले, आज आप मेरे को रोकना मत। ये बहुत दिन से मैंने क्रोध रोका हुआ था, क्योंकि वहां भी उन्होंने खटपट करने नहीं दी श्री राम ने, एक बार तो वहीं भी रच गए थे। विरचना समझते हो? तो बोले कि इनको ना दशरथ जी को बंदी बनाओ और आप राजा बन जाओ, और देखते हैं आज दो पक्ष हो जाएंगे, जो कैकेयी और भरत जी के पक्ष में आएंगे उनको मैं आज ही मार डालूंगा। ऐसे एक बार तो अयोध्या में यही कर्मकांड किया था, तो वहां उनको थोड़ा बहला करके, फुसला करके, पुचकार करके श्री राम लेके गए कि भाई तू चल, ऐसे नहीं करते हैं। उस समय तो रोक दिया क्रोध को, आज आके फिर वही कर दिया। और आज कह रहे हैं कि आज मतलब आज तो और कोई है भी नहीं, आज जंगल में अकेले राम है। तो वहां तो माता आदि कुछ तो थे, कौशल्या माता थी और भी थे। तो यहाँ कह रहे हैं आज तो ये जो मैंने संयत किया हुआ क्रोध था, इसको आज मैं रोकूंगा नहीं। और असत्कारम च, और जो कैकेयी ने असत्कार किया था, आपका अपमान किया था, उसको आज बाहर आएगा। मोक्षामि शत्रु सैन्येषु, शत्रु की सेना में जो है उन सब को भी मैं मुक्त कर दूंगा, मतलब उनके प्राणी छुड़ा दूंगा। कक्षेषु इव हुताशनम, जैसे अग्नि से सब कुछ जल बुझ करके राख हो जाता है, ऐसे मैं उस सारे पक्ष को ही आज जला डालूंगा। शराणाम धनुषश्च अहम् अनृणोऽस्मि महामृधे, ससैन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशय। शराणाम धनुषश्च अहम् अनृणोऽस्मि, हम सब आज धन्य धन्य हो जाएंगे। ये मेरा धनुष, ये मेरे बाण और ये मैं, तो ऐसे ही सोचता है व्यक्ति कि जो मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल उचित है, और ये कर करके जैसे तो मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे, भगवान भी मेरा अभिनंदन करेंगे कि आपने कितना अच्छा काम किया। तो ऐसे ही कह रहे हैं, शराणाम धनुषश्च अहम् अनृणो अस्मि महामृधे, ससैन्यं भरतं हत्वा, भरत को सेना सहित मार करके, और इनसे भी बड़े भी हैं ये, तो ससैन्यं भरतं हत्वा अनृणो अस्मि भविष्यामि न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब कितना पक्का विश्वास अपने ज्ञान के ऊपर, देखो मतलब कोई संशय नहीं है, बिल्कुल मुक्त हो जाऊंगा आज मैं। तो कभी कभी ऐसे होती है ना स्थिति, दूसरा समझाए बोले आपको नहीं पता स्थिति को, वो तो मैं जानता हूं ना मेरे साथ क्या हो रहा है, तो इसमें मेरे को कोई संशय नहीं है, ये बिल्कुल मेरी आत्मा की आवाज है, क्योंकि ये बिल्कुल सच्चाई है, ऐसा ही है जैसा मैं सोच रहा हूं, ऐसा ही लगता है व्यक्ति को। लेकिन ऐसा लगे तो भी कम से कम किसी एक दो से तो पूछ ही लेना चाहिए, कम से कम श्री राम सामने हैं या सीता माता सामने हैं तो पूछ ही लेना चाहिए। और वो तो चलो श्री राम सामने हैं तो इसको संभाल लेंगे, और उनकी जगह पर यदि कोई दुष्ट आत्मा हो सामने, दुर्योधन जैसे, तो फिर तो सत्यानाश ये दोनों का, क्योंकि जिसके सामने हम कह रहे हैं तो ये भी देखना होगा कि वो व्यक्ति यदि कोई समझदार है तो वो तो फिर सुन भी लेगा हमारी सारी बात, तो भी हमें दूसरे के सामने वो हमारी उस बुराई को अभिव्यक्त भी नहीं करेगा और हमें भी समझा देगा। लेकिन यदि सामने वाला भी हमारी टक्कर का है तो फिर तो दोनों का बड़ा ही नुकसान हो जाएगा फिर तो। तो चलिए अब श्री राम ने सुन लिया, इन्होंने तो अपनी सारी बातें कह दी, अब श्री राम क्या कह रहे हैं वो हम अगले सर्ग में पढ़ते हैं। तो श्री राम के द्वारा भरत जी के गुणों की प्रशंसा, ये आपने नेगेटिव थिंकिंग देखी, अब पॉजिटिव देख लीजिए, हैं दोनों भाई एक ही परिवार के लोग हैं। सुसमृद्धं तु सौमित्रं लक्ष्मणं क्रोधमूर्च्छितं रामस्तु परिशान्त्वाथ वचनं चेदम् अब्रवीत्, किमत्र धनुषाकार्यं मसिनावास चर्मणा, महेश्वासे महाप्राज्ये भरते स्वयं आगते, पितुः सत्यं प्रतिश्रुत्य हत्वा भरतामागतम्,
किं करिष्यामि राज्येन सापवादेन लक्ष्मण यद्द्रव्यं बान्धवानां वा मित्राणां वा क्षये भवेत् नाहं तत्प्रतिगृह्णीयां भक्ष्यान् विषकृतानिव। सुसंरब्धं तु सौमित्रिं लक्ष्मणं क्रोधमूर्छितं रामस्तु परिशान्त्वयतु परिशान्त्वाय परिशांत्व्य अथ वचनम च इदम अब्रवीत। ये तो कैसे हैं, क्रोध से मूर्छित हैं लक्ष्मण जी तो, और सुसंरब्धम अत्यंत उद्विग्न है, युद्ध के लिए तैयार हैं, युद्ध के लिए एकदम इन्होंने पूरी 100% तैयारी कर ली। ऐसे सुसंरब्धम सौमित्रिम लक्ष्मणम क्रोध मूर्छितम, ऐसे ऐसे लक्ष्मण को जिनके ये विशेषण बताए, जो क्रोध से मूर्छित हैं, युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ऐसे श्री लक्ष्मण जी को श्री राम जी ने सांत्वना दी। और अथ इदम वचनम अब्रवीत, और उनको सांत्वना देते हुए ये शब्द कहे। तो इससे भी ये भी पता लग रहा है, ये एक नीति की बात हमारी पकड़ में आई, कि जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी नेगेटिव प्रवाह में बह रहा है तो उस समय उनको शिक्षा नहीं, सांत्वना की आवश्यकता होती है, प्रीति की आवश्यकता होती है। वो जब थोड़ा शांत हो जाए तब समझाना उसको, एकदम से उसी समय यदि कुछ उनको शिक्षा देंगे तो फिर जो आपने बताया कि और ज़्यादा गुस्सा आता है फिर। तो इन्होंने उनको सांत्वना देते हुए अपनी बात कहना प्रारंभ किया। किमत्र धनुषा कार्यम असीना वा सचर्मणा, करें कि हे लक्ष्मण जी अत्र किम धनुष, धनुष का, और असीना सचर्मणा, चर्म सहित जो खड्ग है या जो धनुष है, इसका अब क्या प्रयोजन है? क्यों महेश्वा से महाप्राज्य भरते स्वयं आगते, जब इस रण क्षेत्र में स्वयं महाप्राज्य, तो इनका संबोधन अलग है देखो भरत जी के लिए। भरत जी कैसे हैं श्री राम की दृष्टि में? महाप्राज्य, महाबुद्धिमान। भाई यदि इतना बुद्धिमान व्यक्ति ही यदि लड़ने के लिए आ ही गया तो अब ये धनुष बाण ये सब इनका क्या प्रयोजन रह जाता है? तो इसके दो अभिप्राय हैं कि महाप्राज्य व्यक्ति जो है वो जल्दी से लड़ने आएगा नहीं, और मान लो उसने ठान ही लिया ऐसा तो फिर तो युद्ध, मतलब फिर हमारे रोकने से भी वो रुकेगा नहीं, तो फिर समझ लो कि ये विनाश होना ही है फिर तो। तो बोले अब तो कोई प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि भरत जी जैसे महाप्राज्य ऐसे युद्ध के लिए सेना लेकर के लड़ने के लिए नहीं आ सकते हैं, और बाई चांस यदि आ ही गए तो इतनी बड़ी सेना और दो हम, कुछ भी नहीं हो सकता है। किमत्र धनुषा कार्यम, धनुष का क्या कार्य है? असीनावा किम कार्यम सचर्मणा महेश्वा से महाप्राज्य भरते स्वयं आगते, माने तब यदि सारी सेना और स्वयं महाप्राज्य भरत जी, भरत जी कोई लक्ष्मण जी से कम है क्या? उनके पास नैतिक बल और भी ज्यादा है, और धनुर्विद्या आदि तो सब गुरुजनों से सीखी ही है। तो जब अपने से बलवान व्यक्ति लड़ने के लिए आ ही गया तो भी अब कोई फायदा नहीं है झगड़ा करने का, तो फिर तो वो हमें मार ही डालेगा। यदि उसको मारना ही है तो मारेगा ही, हम चाहते हुए भी नहीं बच सकते हैं फिर। शत्रु से तो बच सकते हैं पर किसी अपने व्यक्ति से नहीं बच सकते हैं। दूसरे को तो जीत सकता है व्यक्ति, रावण से तो लड़ सकते हैं, भरत से नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन तो व्यक्ति का ज्यादा होता यही है, कितना भी ज्यादा महाबलवान व्यक्ति है वो सारी दुनिया को जीत लेता है, लेकिन या तो अपने घर में आके हार जाता है या तो अपने आप से हार जाता है, दो जगह हारता है व्यक्ति। और जो अपने आप से नहीं हारता है और अपने घर में नहीं हारता है वो सारी धरती के ऊपर कहीं नहीं हारता है। रावण की हार का सबसे बड़ा कारण एक ये भी था, अपने घर में हार गया वो व्यक्ति, मतलब कोई भी उसको मोरल सपोर्ट कर ही नहीं रहा, ना पत्नी ना बेटे ना भाई, और उसका खुद का भी फिर ये लगा कहीं ना कहीं कि भाई ये सारे ही मेरे को ऐसे कह रहे हैं, तो मनोबल टूटता ही है ना कहीं ना कहीं।
कोई आप में से कोई पूछे कि जी हम उसकी तैयारी कर लें नेट की, और उसको सारे ही मना कर दें, नहीं आपके बस की बात नहीं है ये, तो फिर उस व्यक्ति को क्या लगेगा? मतलब फिर उसको खुद को भी यही लगेगा कि भाई पता नहीं फिर होगा कि नहीं होगा जब ये सभी मना कर रहे हैं तो। और कमजोर से व्यक्ति को भी यदि सारे जने सपोर्ट कर दें कि नहीं भाई तुम कोशिश करो, तुम कर सकते हो, बहुत अच्छे हो, आपके पास तो बहुत अच्छा दिमाग है, तो हो सकता है कि वो कमजोर विद्यार्थी भी फिर कोई ना कोई परीक्षा तो पास कर ही जाएगा, तो उसका भी फर्क पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि महाप्राज्य भरत जी ही यदि लड़ने के लिए आ गए तो भाई तेरे ये धनुष और ये तलवार आदि भी फिर कोई काम नहीं आएंगी, क्योंकि वो महाप्राज्य व्यक्ति हैं। पितुः सत्यं प्रतिश्रुत्य हत्वा भरतम् आगतम् किं करिष्यामि राज्येन शापवादेन लक्ष्मण। तो कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, पितुः सत्यं प्रतिश्रुत्य, पिता की जो सत्य प्रतिज्ञा थी उसको सत्य करने के लिए, उनके वचन को सुन करके, हत्वा भरतम् आगतम्, एक तरफ तो मैं इतने महान आदर्श को लेके चल रहा हूँ कि पिता की आज्ञा का पालन करना है, और यहाँ आए हुए भरत जी को यदि मैं मार दूं तो फिर वो पहली वाली प्रतिज्ञा का क्या बनेगा? कभी ऐसे होता है ना कि व्यक्ति एक उसको तो जीत लेता है एक चोटी को, अगली चोटी पे जाके प्रमाद से युक्त हो जाता है, घर से तो आ गई यहाँ पर तो एक चोटी जीत ली आपने, यहाँ आकर के प्रमाद से युक्त हो गई तो फिर वो पीछे वाला भी व्यर्थ हो जाएगा ना, पहले वाला त्याग भी। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि पिता के वचनों को सत्य करने के लिए मैं यहाँ आया था, तो अभी आगतम भरतम हत्वा किम करिष्यामि राज्येन, ऐसा राज्य मिल भी जाएगा यदि मुझे, कैसा? शापवादेन, अपवाद सहित। लोग कहेंगे कि भाई जब इनको राज्य की इतनी ही ज्यादा अभिलाषा थी तो गए क्यों थे वन में, उसी समय अपने पिता को ही कह देते कि मेरे को तो नहीं जाना है, अब भाई को वहां मार करके और फिर यहाँ राज्य के ऊपर आकर के इन्होंने राजगद्दी ली है, तो ऐसे अपवाद वाले राज्य को लेकर के आप सोचो कि कैसा लगेगा, ऐसे बता रहे हैं लक्ष्मण जी को। यद्रव्यं बांधवानां वा मित्राणां वा क्षये भवेत् नाहं तत्प्रतिग्रहणीयां भक्षान् विष्कृतान्निव। तो कह रहे हैं जो द्रव्य और भाई बंधु आदि मित्र आदि उनका जो क्षय हो जाएगा इस युद्ध में, आप तो तैयार हो गई, उन क्षब का क्षय करके नाश करके, ना हम तत्प्रतिग्रहणीयाम, उस राज्य को मैं ग्रहण नहीं करना चाहता हूँ, वो कैसा होगा मेरे लिए? भक्षान विष्कृतान इव, वो मेरे लिए मतलब विषैले भोजन के समान होगा, राज्य तो भोजन के समान है लेकिन कैसा है वो? विषयुक्त है वो, तो ऐसा अन्न, विषयुक्त अन्न कोई नहीं खाना चाहेगा। किसी को कहें कि हलवा है इसमें काफी सारा देसी घी डाला है लेकिन थोड़ा सा विष भी डाला है, तो कोई खाना चाहेगा क्या उसको? बोले भाई कितना भी अच्छा क्यों ना हो पर है तो विष से युक्त ना, तो इसको नहीं खाएंगे। तो ये श्री राम का ये जो इनको समझाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, तो आप उसी भाव से युक्त होकर के इसको पढ़ें। कल हम इसको पढ़ेंगे, आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। को शांति 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 ही श्री गुरुभ्यो नमः। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, पर मैं कृपा दे अपनी भव से उबारता, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, पर मैं कृपा दे
अपनी भव से उबारता, ऐसे दीनानाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम, दाता एक राम, दाता एक राम। ओ